हमने जब इस वार्ड में चुनकर आए थे, हमने 20-25% जो वार्ड में काम किया है, हमने बहुत रोड बनाई, बहुत गटरे बनाई, पानी का इंतजाम किया, लेकिन फंड कम होने की सूरत में और पाँच साल गुजर गए, फंड नहीं मिल पाया। हमने लाख कोशिश किया कि हम इस वार्ड को सुधारें। हमने इस वार्ड में काम बहुत किया है, लेकिन वार्ड बड़ा होने की वजह से हम 100% काम नहीं कर पाए और बॉडी ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कच्चा वार्ड होने से इतना काम नहीं हो पाया, और अल्लाह ने चाहा तो आगे इंशाल्लाह हम कमिश्नर साहब से काम कराएंगे। वार्ड नंबर 3 में कमिश्नर साहब का इस्तकबाल भी किया गया, और वार्ड में दौरा इसलिए किया गया कि वार्ड काली मिट्टी का इलाका है, और काला मिट्टी का इलाका होने के बाद हमने एक एक गली में लेके उनसे दौरा किया कि भाई ये हाजी मतपुरा है, गट नंबर 215, 216, 217, गुरेसाबाद, नूरनगर, गौसिया नगर, अक्सा कॉलोनी, सलाउद्दीन कॉलोनी, मौलाना आज़ाद पार्क, अलीरागंज, अलीबाग, अमीनाबाद, तंजीम नगर, नूर नगर, जनता कॉलोनी, तमाम इलाकों के अंदर काम नहीं है। और हमने कमिश्नर साहब से ये कहा है कि साहब आप महल्ले का दौरा करो और वहाँ पे इस वार्ड में जो काम नहीं है वो काम को करो। इसलिए हमने दौरा किया और कमिश्नर साहब ने इस दौरा करने के बाद हमें कहा है कि जो काम आपने बताया है हम काम इंशाल्लाह पूरे करेंगे, और हमें कमिश्नर साहब से उम्मीद है कि कमिश्नर साहब ने जो वादा किया इंशाल्लाह वो काम करेंगे। और साहब ये हमको लग रहा है कि साहब की जो बातचीत से हमें लगा कमिश्नर साहब से काम करने वाले हैं वो, और साहब काम करेंगे। और हमने इससे पहले भी कई कमिश्नर साहबों का यहाँ दौरा किया और उनसे काम लिया है, और मैंने रशीद साहब की सरपरस्ती में काम किया, और आज मैं आसिफ साहब की सरपरस्ती में काम कर रहा हूँ। और अल्लाह ने चाहा तो इस वार्ड में हम काम करते रहेंगे, काम करते आ रहे थे। हमने ये भी कहा कि तिरंगा चौक से जो नाला मौलाना आज़ाद पार्क में, अलीरागंज में, जनता कॉलोनी की तरफ, नमरा कॉलोनी की तरफ जो पानी बह रहा है उसकी निकासी का इंतजाम करो, वहाँ पैप डालो या नाला बनाओ। उन्होंने कहा कि हम ये भी काम कर देंगे।